निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी पीयूष सिंह राठौर ने कराया नामांकन। बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार पीयूष सिंह राठौर बागी ने अपना नामांकन कराया है। इस मौके पर पीयूष सिंह राठौर बागी ने कहा कि उनका मकसद है कि शिक्षकों की समस्याओं का निदान हो, अगर वो जीतते हैं तो सरकार के सामने शिक्षकों की समस्याओं को रखेंगे। मेरा नाम पीयूष सिंह राठौर है, मैं बरेली मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। मैंने शिक्षक विधायक के पद पे जो अपना मेरे जो कुछ मुद्दे हैं वो ये हैं कि जो शिक्षकों की बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको लेके मेरे काफ़ी सारे मुद्दे हैं। जैसे काफ़ी उनकी बुनियादी आवश्यकताएं रहीं जो कोरोना काल में उनकी पूछ नहीं हुई, किसी ने उनका ख्याल नहीं रखने का बिल्कुल प्रयास किया गया, तो ऐसी विपदा भी कभी यदि भविष्य में ऊपर वाला ना करे कभी क्या सामने आती है, तो इसको भी फोकस मैंने स्पेशली तौर से किया है कि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं का भी खास ख्याल रखा जाए। और इसके अलावा शिक्षकों के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी प्रसारित होते रहते हैं, तो उन सभी मुद्दों को लेकर अपने गुरुजनों के, अपने शिक्षक साथियों की उन सारी आवश्यक मांगों को लेकर मैं प्रयास कर रहा हूं कि यदि सभी का भरपूर आशीर्वाद मुझे इस चुनाव में प्राप्त होता है तो मैं सभी के दुख दर्द, उनकी तकलीफ और उनके आंसुओं को पोंछने का भरसक प्रयास करूँगा। धन्यवाद। सर देखिए, मैं युवा प्रत्याशी के रूप में अपने को सबसे छोटा मानता हूँ, नया हूँ। मेरे गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद मिला है कि यदि हमारी मांगों को उठाने का प्रयास कर सकता है तो वह हमारा शिष्य कर सकता है। मेरी अपनी टैगलाइन भी है कि शिष्य है मैदान में, गुरुजनों के सम्मान में। तो मैं समझता हूँ कि जब मुझे गुरुजनों का आशीर्वाद मिला है तो मेरी जो फाइट है वो लगभग सभी के साथ है। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।